कौन है किसो? आग यही रोड, यही रोड खाना लांग के जा रहा है। तो लाए हो? नहीं लाए हो ना? घटिया आदमी को जितना बोला जाए ना उतना कम है। दुकानवा बंद था, तुमको कल ही बोले थे ना, तो कल कैसे लेके आते? कैसे बैग कैसे लाया? बैगों में भरे गिर जाता, बैगों में गिर जाता। खाली हाथ आया मेरे, खाली हाथ आया। बात राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करिएगा आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। रात्रि के बज रहे दोस्तों 8, और क्या क्या अनाउंसमेंट करने जा रहे थे हम भुलाइए गए। हाँ कि निंदिया एक्सप्रेस पे दोनों बच्चे सवार हो चुके हैं और स्वप्न लोक में जा चुके हैं। खिला पिला के इनको सुला दी हूँ। मम्मी पापा उस रूम में सो रहे, मैं इस रूम में सो रही हूँ। ये वाला कपड़ा का मैं कहानी बताऊँगी तो हंसी आ जाएगा। 7 साल हो गए कपड़े को और मैंने इसको इतना रगड़ के पहना है कि अगर इस कपड़े को कोई मुझसे दूर नहीं किया तो और 8 साल इसको रगड़ के पहन सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा प्यार हमको ना कभी कभी हो जाता है, वो भी किसी स्पेशल लोग से, वरना मुझे सबसे प्यार नहीं होता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो कुछ हो, चीज़ हो। तो यही वो कपड़ा है, इसको हम फेंक दिए थे 2-4 दिन पहले। मम्मी इससे पूरा घर में पोछा भी लगा दी थी, फिर आज हमको कोई कपड़ा नहीं मिला और ये साफ़ सुथरा धुला करके रखा हुआ था। पहन लिए दोस्तों और अब बड़ा ही आराम लग रहा है, सच्ची बोल रहे एकदम। ऐसा कपड़ा मिलते हैं जो देही में एकदम चिपक जाए तो कपड़ा का बात ही क्या होता है। और गले का 9 लखा हार के बारे में क्या ही बोले। ये देखिए, ये गरीब है। मम्मी कहती है कि जिसका बच्चा होता है उसको धागा माला उला पहनना चाहिए, तो हमको ना मोती उती अच्छा नहीं लगता, बड़ी चुभता है। वैसे तो ये भी चुभता है, ऐसे करके टेढ़ा करके सोते हैं। कनवा का बोले खोलना है इसको, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो ये लॉकेट बना है अभी। आप लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, सेफ्टी पिन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सेफ्टी पिन नहीं है, बहुत स्पेशल है। हम नहीं बता सकते, नहीं तो बाहर जाते को डकैत वकैत छीन लिया, तो इसीलिए तो कहने का मतलब कंफर्टेबल है। अभी उसको फ़ोन किए, मेरा पति आज 2 दिन से घर से बाहर है, आप सबको बताया है, तो फ़ोन किए, आने वाला था, बोला था कि ट्रेन है, आ जाएंगे 10-11 बजे तक, घर पहुंच जाएंगे रूम, और अगर 11 बज गया तो हम नहीं आएंगे, अपना भाई के रूम में शिफ्ट हो जाएंगे और सुबह यहाँ पे पहुंचेंगे। तभी सोने से पहले एक बार कॉल किए, सोचे कि हो सके सुबह आएगा, मतलब अभी आएगा तो हमको जगना पड़ेगा, हो सके वैसे दिमाग में लौट रहेगा। कहता है तुम्हारा बद्दुआ लग गया रे, तुम्हारा बद्दुआ लग गया, तुम डाल दो, तुम फेसबुक पे यूट्यूब में सब जगह डाल दो और व्यूज़ कमाओ, इसी बहाने बोलो हम शहीद हो गए, है ना। क्योंकि आज वो ट्रेन का इतना वेट कर रहा, ट्रेन इतना लेट कर रहा कि क्या ही बोले। अभी भी ट्रेन उसके पास नहीं पहुंचा, मतलब ट्रेन नहीं आई अभी तक पटरी में, और वो 5 बजे से इंतज़ार कर रहा है और 5 से लेकर अभी 8 बजने जा रहा है, और अभी भी कोई पता आता नहीं कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, इसीलिए वो बहुत पगलाया हुआ है। और बस से नहीं आता जाता है, वो ट्रेनें से आता जाता है, बस में उसको ऑच उल्टी हो जाता है। तो हम सोने जा रहे क्योंकि वो अब 12 बजे के बाद ही उसका ट्रेन इधर छोड़ेगा, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सुबह ही आएगा। और देखिए सुबह अगर कुछ नहीं लाया ना, मार के उसको ना चोखा बना देंगे, अगर खाली हाथ घरे आया तो। आप लोग को बोले उसको स्पेशली कुछ लेके आना, कभी कुछ नहीं लाता है। अब बोला है कि ले देंगे ला देंगे कुछ हो, लेकिन हमको तो नहीं लगता है, बहाना ज़रूर करेगा, कहाँ लाते हैं तुम जानबे कि ट्रेन लेट था, भोरे भोरे कहाँ मिलता है ऐसा करके। लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, नहीं लाया ना था बेटा, हम तो देंगे चाय नाश्ता सब।
बोलती है अभी जब सुबह हो गया है, वो तो आया नहीं है, लेकिन मम्मी कहीं जा रही है। इसके लिए मम्मी ना एकदम आधा रात से सारा काम करना शुरू किए है और बता रहे हैं कि कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। बाबू उठ चुका है, अभी शगुन सोई हुई है, लेकिन पहले मम्मी को भेज लेते हैं, फिर घर का काम अभी करेंगे हम। मम्मी 6 बजे से नहीं 3 ही बजे से उठ के पगला रही है, पूरा काम सब कर ली। उसके बाद अभी गई है देवड़ी मंदिर, बहुत दिन से सोच रही थी जाएंगे जाएंगे, तबीयत खराब की वजह से नहीं गई थी, तो अभी जा रही है। तो जाने से पहले बहुत सारा काम कर रखी, इधर भुंजिया काट दी है, इधर आटा गूंथी है और इधर है सो सब्जी काट दी है, कच्चू है, तो जा रहे हैं हम भी अपना काम करेंगे। और एक बार उसको फ़ोन कर लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चा लोग को स्कूल कौन लेके जाएगा। किशु के पापा कहाँ गए? पापा कहाँ है? पापा ये तो नानू है, ऑफिस गए हैं। तो तेरे पापा कहाँ है? आएंगे आएंगे बुट्टी मोड़ में। बुट्टी मोड़ में क्या कर रहे तेरे पापा? सामान खरीद रहे। क्या सामान बता तो जरा। आलू खरीद रहे। आलू? हाँ। ओके। अरे आलू है, भिंडी, गोभी, मटर, टमाटर है। कौन है किशु? पापा। आग यही रोड, यही रोड खाना लांग के जा रहा। पापा क्या लाए? तुम्हारे नहीं लाए हो ना? हमको तो पता था कि तुम यही सवाल यही कहोगे, हमको पता है घर में 2 बच्चा है, लेकिन ये ऐसा घटिया आदमी है ना, खिला मुंह बंद रखो मेरे को नहीं, वो कम से कम अपना बच्चा लोगों को सोचो कि दुकान से दिला देंगे। तुम्हारे लिए दुकान से भी दिलाएंगे तुमको। कुछ नहीं, इसका मुंह देखो, इसको 10 साल से हम देखते आ रहे हैं, ऐसा ही करता है किशु। कुछ नहीं, इसको बच्चा उच्चा के लिए है। रख दो तुम लोग उसका सामान, वही रखो अपना उठा के रखेगा। ए बैग वापस करो, उधर बैग वापस करो, उसको दो बैग, चल वापस कर बैग, नहीं बैग दो अपना रखेगा, चल बैग उधर जाके फेंको उसका, दे 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 बैग, दे बैग उठा दो उधर टांग रहा, चल दो उधर, दो दो देगा तुम बैग, दे दो वापस दो उसका बैग। बढ़िया आया, ले बेटा बैग पकड़, हेलमेट पकड़, पड़ो यहाँ पे, पड़ो यहाँ, मारो चप्पल 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 मारेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी तो प्यार से बात कर रहा था, अभी तो प्यार से बात कर रहा था, और अभी पापा आ गए तो पापा आ गए तो नाटक शुरू। हम जानते थे यही भाषण मारेगा, दुकान नहीं खुलाता है रात को, ये वो आप लोगों को तो बोले ही थे हम। और नहीं तो क्या, तुमको नहीं जानते तो कौन जानता है, थोड़ी मैया मुंह बंद रखो। और तुम लोग को जब तक हम बोलेंगे नहीं ना, इसका बैग पकड़ना, हेलमेट तक पकड़ना नहीं, मारेंगे इतना ना, कोई सामान नहीं पकड़ेगा, अपना रख लेगा वापस। डोबो उसको देख के तू पूछी मत हिला, ये अपना औलाद के लिए कुछ नहीं लाया, तुम्हारे लिए कुछ लाएगा, मत देख उसको, उम्मीद करना बेकार है। डोबो के लिए तो कम से कम 5 रुपए का बिस्किट ला देते। तुम तो भागो वापस जाओ। घटिया आदमी को जितना बोला जाए ना उतना कम है। दुकानवा बंद है, तुमको कल ही बोले थे ना, तो कल कैसे लेके आते, कैसे तू बैग कैसे लाया, अपना कपड़ा बैग में भरे गिर जाता, बैग में गिर जाता ना, फिर बाबा फिर हम भी पैंट पहनेंगे। पैंट पहना तो है, तुम तो और ही पहनता है किशु। अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है, मैं हूं पुराना है, फिर लिया है, मन करे ना तुम आटा जैसा सान दे, इसका आदत बहुत खराब है, कभी नहीं इसके बारे में तो बताएंगे तो आप लोग को अजीब भी लगेगा। सुनो इसका बेल्ट नहीं है, बेल्ट खरीद देना है वो। तो गिन के अपना पॉकेट में रख लिया। तो इसका स्कूल आने जाने वाला देना होगा और हमको तो रे सर। ओके
पाँच रुपए दो इसको, पाँच रुपए दे के आएगी जाएगी, दस रुपए ले लेता दुकान ऑटो वाले, पाँच रुपए में आ जाती है। तो नहीं इतना छोटी सी तो है, ये है पाँच पाँच रुपया दे दो, दस रुपया ले लेता टेम्पो वाला, और वो पूरा यहाँ तक छोड़ता नहीं है। पर्स मेरा को निकाले होंगे, कोई तुम्हारा पर्स नहीं छुआ है यहाँ, किसी को अपना छू के गया, पर्स छूने के लिए यहाँ समय है किसी के पास? 10 साल पुराना पर्स हम लोग लेके क्या करेंगे? चलो तुम शूज पहनो ना, ये क्यों पहनेगा अभी, पैंट तुम इसका पहनो, इसका बेल्ट ले देना, पुराना है, नहीं 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 उसी को पहनो, अभी नहाएगा तब, अभी नहीं चेंज करना बेटा, वो रेड अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर पहन लीजिए, इसके ऊपर पहन लेगा, रेड अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ बैठो मत, तुम लाया कहे नहीं सब, अभी तुम्हारा आएगा ना सब, तो लाया जो आइटम बोली हो ना, जो क्वालिटी वो क्वालिटी, तो पेड़ा लाने वाले थे आप, पेड़ा लाने वाले थे, खाएंगे रसगुल्ला आप, पेड़ा लाने वाले थे, लाए क्यों नहीं, हेवी वाला खिलाएंगे ना मलाईदार, बस तुम्हारा भाषा नहीं है, ये तुम्हारा खिलाना पड़ेगा, लोग देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि वाह, मत देना किसी फीसी, बोलो ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सब, रुको अभी बता दे अभी बेड में, सुनो क्या कर, किसु तुमको याद कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं याद कर रहा था, ये बोले ना कि पापा बुट्टी मोड में होंगे, बुट्टी मोड में होंगे हम बोले थे, क्योंकि आज थोड़ा देर में आने वाले थे, तुम अभी क्या बोला, रुकिए आपको बताते हैं यार, तुम गोदी में बैठने गया, पापा पापा बुट्टी मोड में बोले थे ना, तुम अभी अभी तुम क्या बोला, रुकिए बेड में आके बताते हैं, और तुम गोद में बैठ गया, रात में बताएंगे, रात में बताएंगे, कुछ लाइव नहीं किया तो कौची का प्यार कर रहे हैं पापा, अभी सबक सिखाते हैं पापा, आप पेड़ा क्यों नहीं लाए, अच्छा वाला पेड़ा ला देंगे, इधर खिलाएंगे, अच्छा नानी घर वाला अच्छा वाला खिलाएंगे, घर में तो बट रहा होगा, बोलिए ना आप, सो उठ उठ गोदी से उठ, उठ बैठेगा ना गोदी में, उठो बट रहा होगा, बोलिए कहाँ बैठने रे, छोड़ मत कर, खाली हाथ आया मेरे, खाली हाथ आया, बात बता, अरे ला देंगे ला देंगे, अरे तो मार के, तो मार के, बंद करो, क्या बोलो दोस्तों, बहुत ही बुरा लगता है, मैं ना घर में माहौल अच्छा रखना चाहती हूँ, मगर ये जैसे ही आता है ना बच्चे एकदम अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, बाबू तो इतना जिद्दी हो गया है ना, उसको अभी देखा ही और शुरू हो गया, वो नहीं रहता है ना तब तक बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते, पानी डाली ठीक, लंच डाली ठीक, लेकिन जैसे उसको देखता है ना रोना धोना पटकाना सब शुरू कर देता है, हम इसका जिद पूरा नहीं करते हैं, कभी नहीं करते, और मेरे से कभी जिद भी नहीं करेगा कोई चीज़ के लिए, क्योंकि एक टाइम पे मैं डांट भी देती हूँ बहुत स्ट्रिक्ट होके, लेकिन ये आदमी नहीं, मैं क्या करूँ, एकदम बहुत बच्चे मेरा माथा खा जाते हैं, ऐसे शगुन का आदत लगा दिया था, उसको छुड़वाएं, अब बाबू वही चीज़ कर रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, देखिए ना बाहर गया है डोबो को लेके और रो रहा है सिर्फ जूता पहनाने के लिए, मतलब वो समझता नहीं है कि हमको रुकने बोला गया है बाद में होगा, मतलब जो रोना है चिल्लाना है क्या, परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया, नहीं लाता है, हमको मालूम है इसका आदत, आज से नहीं बहुत पहले से ही सब जानते हैं, एक चॉकलेट तक कैरी करके नहीं लाएगा, कि घर में बच्चे हैं, मेरा तो दूर का बात है, आप लोग देख लो जिनको लगता है ना कि मेरे लिए करता है अपने बच्चों तक के लिए नहीं करेगा, कोई भी फादर दो दिन अपने घर से दूर रहेगा तो कम से कम बच्चों के लिए नहीं सोचेगा कि हम लेके जाते हैं, कभी नहीं, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है।